वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और देखिए विराट ने कपड़े नहीं पहने ना, तो वो चुप चुप के जा रहा था कि कोई देख ना पाए। तो फ्रेंड्स अभी नहा के आए हैं और जा रहे टॉवल बाहर फैला दे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपने कहीं पे टॉवल फैलाने की जगह ही नहीं। देखिए बेडशीट चेयर पे डाल रखी, कुछ कपड़े डाल रखे और इतने कपड़े उतार के रखे और बाकी देखिए पूरा स्टैंड मेरा कपड़ों से भरा है। तो ये सारे कपड़े मैंने अभी धोए हैं और देखिए जो अभी नहा के डाला था तो कहीं जगह नहीं थी, तो फिर मैंने वॉशिंग मशीन पे डाला है। और ये तो फैलाने की जगह ही नहीं है कहीं, तो इसको अभी ऐसे मैं चेयर पर डाल देती। हटो फैलाने दो। अगर ऐसा समय में मतलब बारिश भी हो रही है रुक रुक के और नमी जैसी बनी हुई है तो कपड़े सूख नहीं रहे हैं और उसमें थोड़ी देर ऐसे गीले रहते हैं ना, तो फिर सीलन सी आ जाती है, तो इसलिए सुखाना जरूरी। फैन ऑन कर दो। तो फ्रेंड्स इस समय क्या है कि फैन ऑन करके कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं। और ये देखिए मेरी पढ़ाकू बिटिया बैठी है, पढ़ाई कर रही है, इसका कल टेस्ट है। और विराट की तो पूरी ऑलरेडी तैयारी है जिससे उसको पढ़ना है नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स आज कल से तो आपको पता ही है कि कल से नवरात्र स्टार्ट है और कल से मेरा व्रत स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं पूरे 9 दिन के व्रत रखती हूँ। तो अभी ना कुछ यहाँ हॉल में देख सकते हो आप, वैसे तो साफ सुथरा है लेकिन थोड़ा सा सोच रही थी ना कि कर्टन वगैरह चेंज कर दो और दूसरे कर्टन डाल दो, सोफा के कपड़े वगैरह थोड़ा सा चेंज करना है आज, क्योंकि कल से फिर टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि व्रत भी रहूंगी। और फिर सबसे बड़ी बात ना कि मैं कुछ खाती नहीं हूँ, तो इसलिए ज्यादा काम नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा काम करेंगे, डेली वेज का काम होगा वही करेंगे। तो अभी फिर मैं यही हॉल की थोड़ी सी सफाई करूंगी, तो जा रही हूँ पहले एक कप कॉफी पी लूँ और उसके बाद मिलती हूँ हॉल की सफाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कॉफ़ी तो पी नहीं पाई लेकिन हाँ किचन में ज़रूर आ गई हूँ, क्योंकि विराटू के लिए मुझे स्पेशली खाना बनाना है। विराट को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ पहले मैं खाना ही बना लेती हूँ और उसके बाद में सफ़ाई करूँगी, क्योंकि फिर सफ़ाई करने बैठूँगी ना तो चाहे काम आप एक रूम का करो या सारे रूम का करो, फिर काम जो है ना तो बढ़ता ही चला जाता है और उसमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने कहा मैं पहले खाना ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने चावल निकाल के धो लिया, उसके बाद मैंने जो मटर था ना तो वो फ्रीज़र में रखा था तो उसको मैंने पानी में डाल के रख दिया जिससे वो नॉर्मल हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने देखिए पनीर लिया है, उसके पीसेस कर लिए हैं और अब मैं यहाँ पे पनीर के बट डालूँगी इसमें कैप्सिकम, तो उसको भी मैं काट के रख ले रही हूँ। और मैंने इसको ना धो के ही पहले जब ये ख़रीद के आया था तभी मैंने इसको वॉश करके फ्रिज में रख दिया था, तो इसलिए मुझे इस समय धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए फिर अब चढ़ाते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है कुकर और कुकर गर्म हो रहा है, उसमें मैं डालती हूँ ऑयल और देखिए ऑयल हो गया यहाँ पे। फिर मैंने डाल दिया प्याज, अब प्याज जब एकदम गोल्डन हो जाएगा तब देखिए हो गया है। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया टमाटर और हरा मिर्चा, इसको अच्छे से भून लूँगी। और भूनने के बाद अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च और उसको चलाने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया पनीर, अच्छे से चला लेंगे। और उसके बाद इसमें मैं डालने वाली हूँ चावल, तो यहाँ पे अच्छा सा फ्राई हो चुका है, उसके बाद मैंने डाल दिया है चावल। और इसी बीच मैंने इसमें यहाँ पे ना नमक भी डाल दिया है और उसके बाद अब मैं डालूँगी इसमें सबसे लास्ट में मटर। मटर मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये फ्रोज़न वाली मटर होती ना तो फिर एकदम गल जाती, तो अच्छी नहीं लगती खाने में, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में डाला है। अच्छे से भूंज के फिर पानी डाल के मैंने कर दिया है बंद। और चलिए अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे किचन में जो थोड़ा हल्का फुल्का सा चावल ऑयल वगैरह हो जाता है ना तो उसको मैं क्लीन कर लूँ, क्योंकि अभी सफाई करने बैठूँगी तो फिर समय ही नहीं मिलेगा कि मैं किचन में आऊँ। तो चलिए यहाँ पे हो गया मेरा किचन साफ और अब मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, जैसा कि अभी आपने पैकेट देख ही लिया होगा। तो ये आप देख सकते हो ये है कर्टन जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा था, तो ये 3D कर्टन है और अभी मैं इसको आपको डाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए विंडो है ना, तो सिर्फ विंडो के लिए ही मैंने मंगाया है इसको, तो मैं यहाँ विंडो पे डालूँगी इसको। तो चलिए ये उतारूँगी और फिर डालूँगी, लेकिन उससे पहले मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा घर का क्लीनिंग, जो हल्का फुल्का सा जाला वगैरह हो जाता है ना, जितना भी आप डेली सफाई करो लेकिन कुछ बहुत जाला और डस्ट वगैरह ना हो ही जाती है। और फिर मेरा तो जो हॉल है ना तो ये एकदम फ्रंट पे है तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट आती है, तो फिर मैंने यहाँ पे करी है पूरी क्लीनिंग अच्छे से, मतलब जाला वगैरह लिया और विंडो के पीछे भी मैंने, मतलब विंडो के पीछे नहीं कर्टन के पीछे विंडो पे मैंने सब जाला वगैरह डस्ट वगैरह साफ़ की।
और उसके बाद फिर जो साइड में ये कॉर्नर पे लगे हुए हैं ना शेल्फ्स, तो इसको भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ लगे हाथ। तो ये देखिए बुद्धा जी को मैं यहाँ पे साफ कर लूँ। और मुझे ना इस तरह का जो स्टैचू होता है वो सजाना बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैं फटाफट से कर लूँ। और देखिए जब मैं ये कर रही थी ना, तो इसके बाद अब मैंने सोचा कि मैं ऊपर कैसे चढ़ूँ, तो बड़ी मुश्किल से मैं सोफ़े के ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ी हूँ। तो मैंने कहा लो कर रहे हैं तो पूरा कर ले। और देखिए ये जो थर्ड वाला मैं साफ़ करी ना, तो इसका जो ये मिरर लगा हुआ ग्लास, तो ये हिल रहा था, तो मुझे करने में थोड़ा सा डर लग रहा था। और इसके जो पेच है वो थोड़े से लूज़ हैं, इसी वजह से वो हिल रहा है। और मैंने उसको करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने करी अपनी विंडो की क्लीनिंग। थोड़ा सा जो मिरर वगैरह है ना, तो इस पर डस्ट सी चिपकी सी लग रही थी, तो मतलब स्पॉट जैसा था, तो फिर मैंने क्लीनिंग कर ली। और ये वाला फ्लावर मैं हटा रही हूँ फिलहाल, अभी देखती हूँ यहाँ पे फिर कौन सा अच्छा लगेगा, तो वही वाला लगाऊंगी। तो चलिए अब ये जो कर्टन पड़े हुए हैं, तो इसको मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। और निकाल के फिर जो मैंने अभी आपको दिखाए थे ना, तो वॉले डालती हूँ। तो यहाँ पे मेरा विराट मेरी हेल्प कर रहा है, जैसा कि आप जानते हो कि हमेशा ही करता है। तो चलिए यहाँ पे डालती हूँ और उसके बाद आपको उसका पूरा लुक दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा। तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत, और एकदम जैसे लग ही नहीं रहा कि कर्टन है। और मतलब इसको पास से देखो ना आप, तो देखिए पूरा इसमें लुक निकल के आ रहा है ना, जैसे पहाड़ और झरना वगैरह ग्रीनरी है, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। बस यही मुझे बहुत पसंद आया, तो फिर मैंने ये लिया। आपको कैसा लगा है कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स बाकी के कर्टन ये वाले हैं, तो अलग कर्टन रखे हुए हैं, ये नेट के और ये दरवाजे के हैं, तो चलिए डाल लेते हैं फिर आपको पूरा दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। इसलिए मैं मंदिर के पास नेट वाला भी जरूर डालूंगी, ब्लू वाला। तो जब तक मैंने ये सब किया तब तक मेरा यहाँ पे देखिए जो वेज बिरयानी थी विराट की फेवरेट वो बन गई है। तो फिर मैंने कहा इन लोगों को खाना भी दे देती हूँ, तो निकाल दिया है मैंने खाना। और परी जो है तो लेके जा रही है, और उसके बाद अब मैं भी इन लोगों को खाना दे के और यहाँ पे काटी है अनियन बच्चों के लिए, क्योंकि चावल के साथ ना अनियन खट्टा खाते नहीं है, अचार वगैरह नहीं खाते हैं, तो फिर मैंने यही दे दिया उनको। तो चलिए दे के आते हैं। तो देखिए यहाँ पे परी जो है वो तो नीचे बैठी हुई है, लेकिन विराट ऊपर चढ़ के बैठे हैं और नंगू नंगू से हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने इन सबको खाना दिया, फिर मैंने कहा कि मैं भी खा लूँ ना, तो फिर काम में तो शाम होनी ही होनी है। तो फिर मैंने खाना पीना खाने के बाद फिर मैं आ गई अपने हॉल में और स्टार्ट कर दी मैंने क्लीनिंग। तो यहाँ का जो ये आप देख सकते हो सेठी पड़ी हुई है ना, तो इसका भी मैं कवर चेंज कर दे रही हूँ, क्योंकि ब्लू कर्टेन के साथ ये रेड ना मैच ही नहीं कर रहा, कहीं से अच्छा नहीं लग रहा था। और मेरे पास ना ब्लू कलर का कुछ था नहीं, मतलब बेडशीट वगैरह या कवर कुछ नहीं था, तो फिर मेरे पास ये एक्स्ट्रा कर्टन था, ये जो मैंने अभी डोर पे लगाया है। तो फिर मैंने इसी को अच्छे से थोड़ा सा ना इस तरह से देखिए सेट कर दिया है कि लग नहीं रहा है कि ये कर्टन पड़ा हुआ यहाँ पे, लेकिन मैचिंग जो है तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो मैंने इसको अच्छे से एडजस्ट किया, और बाकी जो पीछे का है उसको मैंने जो इसमें गद्दी लगी हुई है ना, तो उसी के नीचे मैंने फोल्ड कर दिया। और फोल्ड करने के बाद जो साइड का लुक है वो अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह से, तो फिर मैंने देखिए इस तरह से इसको करके यहाँ पे मैंने एक सेफ्टी पिन लगा दी, तो इसका जो लुक है ना एकदम सेपरेट हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। सेम इसी तरह से मैंने उस साइड भी कर दिया है। तो सेफ्टी पिन लगाने से क्या होता है ना, ये बार बार सरकेगा नहीं, आप इसके ऊपर बैठो या कुछ भी करो तो ये सरकेगा नहीं, एक जगह पे ये फिक्स हो गया अच्छे से। तो देखिए मैंने इसको कर दिया, और इसके ऊपर फिर मैंने ये जो कलर्ड कुशन है छोटे छोटे मेरे, तो मैंने इसको ही रखा है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से बीच में मैंने ब्लू रख दिया, तो वो उसका अच्छा सा मैच भी आ गया है। और अब देखिए वहाँ का चेंज करने के बाद अब मैं यहाँ सोफे का भी चेंज कर ले रही हूँ। और मैंने पहले सोफे का कवर चेंज नहीं किया, क्योंकि जो मैंने डस्टिंग वगैरह की जाला वगैरह निकाला ना, तो उससे और ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सोफ़े के कवर जो है तो वाइट कलर के लगा रही हूँ। और मैं सच बताऊँ तो मेरे पास तीन ही सोफ़े के कवर हैं, एक जो अभी पड़ा था वो आपने देखा, दूसरा ये वाइट कलर का है, और एक है डार्क मेहरून कलर में, तो वो मैं कम ही लगाती हूँ, क्योंकि पीछे की वॉल मैंने रेड कर दी है ना, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सच बोल देती हूँ कि मेरे पास है नहीं ज़्यादा, तो फिर मैंने यही वाला लगा दिया। और ये जो है ना तो रेड पीछे है, तो ये वाइट कलर अच्छा भी लगता है, और इसके ऊपर अभी मैं कुशन्स रखूँगी तो फिर अच्छा लगेगा और भी ज़्यादा। और देखिए ये जो बड़े वाले कुशन्स हैं ना, तो इसका अभी मैंने कवर नहीं चेंज किया है, क्योंकि वो बड़े वाले बक्से में रखा हुआ है, और वो मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, वो परी जब उठेगी ना तब मैं उसके साथ खोलूँगी, तब मैं निकालूँगी। तो फिलहाल मेरा हो गया है यहाँ का। और उसके बाद देखिए अब इतना ऊपर से जब गंदगी गिरेगी तो नीचे तो गंदा होना ही है, तो यहाँ पे मुझे दूसरी बार
झाड़ू लगानी पड़ रही है, तो यहाँ पे मैंने फटाफट से लगा दी झाड़ू और कूड़ा काफ़ी सारा निकला था, सब फेंक दिया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ पोछा, क्योंकि अगर हॉल में पोछा ना लगाऊँ ना, लाख आप झाड़ू लगा लो एकदम साफ़ से लगा लो, लेकिन कहीं ना मन में लगता है कि नहीं अभी घर गंदा है, क्योंकि पोछा तो लगा ही नहीं है। फिलहाल ये मेरी टेंडेंसी है, क्योंकि मैं दिन भर में कई बार पोछा लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे लग गया पोछा, अब आप देख सकते हो कितना अच्छा साफ साफ सा लग रहा है। और फिर ना यहाँ पे मेरे पास मैजेंटा कलर में या पिंक कलर में भी बस फ्लावर थे, तो वो मैंने यहाँ पे रख के देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, उसका लुक नहीं अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया है पूरा क्लीनिंग का काम कंप्लीट, आप देख सकते हो। और अभी हम आपको पूरा दिखाएंगे, और अभी एक दिखा है आपको, ये वाला देखिए कर्टन जो है तो नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि बहुत ऊंचे एकदम छत के पास लगा हुआ है ना, तो वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे थे इसलिए नहीं लगा पाए। और अभी शाम को भैया आएंगे लगाने वाले, तो उनसे लगवाएंगे, अब देखिए आते भी हैं कि नहीं। चलिए फिलहाल आपको जितना करा है वो दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे डोर पे लगे हैं मेरे ब्लू कर्टन, और यहाँ पे तो आप पहले ही देख चुके हो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और दीवार का लुक तो आप देख ही सकते हो एकदम सिंपल सा है, और सिर्फ अभी यहाँ पे कुशन कवर चेंज करना रह गया है। और ये देखिए ब्लू कर्टन यहाँ पे डालने वाले रखे हैं, और जो मैंने मेज पे कवर डाला है ये पहले यहाँ पे कर्टन लगा हुआ था तो ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था, फिर मैंने इसको कट करके इस तरह से टेबल का कवर बना दिया। कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ का लुक तो आप देख ही चुके हो, फिलहाल आप सामने से देखो तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और देखिए विराट ने बदमाशी की थी, बीच में कुशन रख के छोड़ दिया था। तो देखिए आप कैसा लग रहा है लुक। और ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार से कुछ खरीद के ही कुछ करें, आप चाहो तो घर के सामान से भी ना काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर सकते हो, जिस तरह से मैंने किया है। और मैं कोशिश करती हूँ कि घर की चीज़ों से ही मैं करूँ। तो फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो रहा है अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम, और कल भैया नहीं आए थे तो कर्टन वगैरह नहीं लग पाया, तो यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं स्कूल तो फिर मैंने उनको दिया है दूध। और ये आप देखो कल सीनरी यहाँ पे लगी हुई थी ना, और ये जो जब मैं सुबह उठ के आई ना तो ये एक तरफ से निकल गई थी, एक तरफ से ये लटक रही थी, तो फिर मैंने इसको निकाल के नीचे ही रख दिया, क्योंकि फिर ये गिरने का डर है। और इसमें जो ग्लास लगा हुआ है बहुत ही ज़्यादा लाइट है, तो इसलिए मैंने रख दिया। और ये बीच में रखा हुआ है आज पूजा का सामान, तो मैं अभी नहा ही नहीं हूँ इसलिए मैंने नहीं छुआ है। तो अब चलिए देखते हैं परी के बनाने हैं हेयर, जो कि दो चोटी वो कर नहीं पाती है, तो यहाँ पे मैं बिट्टू के बना रही हूँ हेयर। और हेयर बनाने के बाद अभी आप देख सकते हो चेयर पे कपड़े फैले हुए हैं, तो फिर मैं इनको यहाँ पे तय लगा के रख लूँ। तो बस बिट्टू के कॉम करने के बाद फिर मैं तय करने लगी ये कपड़े, क्योंकि ये कल के पड़े हुए हैं, और अभी जो कर्टन वगैरह कल निकाले हैं ना तो वो भी मैं वॉश करूँगी, देखती हूँ कब टाइम मिलता है, तो जब टाइम मिलेगा तभी करूँगी। फिलहाल मैं कपड़ों को तय लगा के रख देती हूँ अंदर, और उसके बाद फिर मैं झाड़ू तो मैं लगा ही चुकी हूँ, सुबह जब उठती हूँ तभी लगा लेती हूँ। और अभी पोछा लगाना बाकी रह गया है, लेकिन अभी बच्चे जब स्कूल चले जाएंगे ना तब लगाऊंगी, क्योंकि फिर वो शूज़ पहन के ना पूरे घर में अंदर बाहर करते हैं, तो फिर लगाना ना लगाना सब बेकार हो जाता है। तो बस अब बच्चों का जाने का टाइम हो गया है, उनकी वैन आने वाली है, बस जैसे बच्चे निकलेंगे वैसे ही मैं लगाऊंगी पोछा। तो यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े भी तय हो ही गए हैं, बस थोड़े से बचे हुए हैं एक दो यहाँ पे। तो अब देखिए मैं तय कर ही रही थी कि यहाँ पे इनकी वैन भी आ गई, और विराटू देखिए चला गया, और परी भी जा चुकी है पहले आगे, तो मैं दिखाऊँ, ये देखिए इनकी वैन आ गई है और बिट्टू जा रही है, विराट अंदर बैठ गया है, ये देखिए चली गई बाबू मेरा। और अब मैं आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैं लगा लूँ पोछा, सबसे पहले इनका रूम कर दूँ मैं बंद, और फिर फैन खोल के फिर मैंने यहाँ पे लगाया पोछा। तो बस यहाँ पे पूरा पोछा लगाऊंगी अंदर से बाहर तक, और जो रूम में ये सोए हुए हैं उस रूम में मैं लगाऊंगी एकदम लास्ट में जब ये उठ जाएंगे, क्योंकि आप जानती हो अंदर काफ़ी फोल्डिंग वगैरह पड़े हुए हैं, तो सब उठा के साफ ऑफ करके और उसके बाद ही मैं लगाऊंगी। तो यहाँ से लगा के हॉल और बाहर बालकनी तक की पूरी सफाई मैं अभी कर लूँगी जब तक ये सो रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाने के बाद मैं जाती हूँ नहाने। और क्योंकि आज आप सभी को पता है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, जो कि मुझे स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था लेकिन मैं भूल गई, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और बस देखिए यहाँ पे मेरा पोछा भी इधर लग गया है, मैं यहाँ पे कर्टन डाल दूँ क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा अंदर तक घुसती है। तो यहीं पे करते हैं ब्लॉग को एंड, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। मिलेंगे कल आपसे किसी प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, माता रानी आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करे।